अबे आपके बाग कीजिए सूत्र प्रावर्त्य विधि से बाग करना है। तो देखो इससे पहले निकिलम थी, निकिलम में क्या था कि जो भी आपका बाग फल आता है, सॉरी बाजक आता है, वो 100 से कम आता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो आपका बाग फल आएगा वो 100 से ज्यादा भी आ सकता है, 10 के आसपास, यानी कि 10 से ज्यादा भी आ सकता है, 10 से कम भी आ सकता है, 1000 के आसपास भी आ सकता है, 1000 के आगे भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो बाजक है वही काम करना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो मारना है आधार, बताओ आधार किसके पास आ रहा है? इस आधार किसके पास आ रहा है? 100 के पास आ रहा है, आ रहा है 100 के पास। अब ज्ञात करना है आपको विचलन। अब बताओ विचलन का सूत्र क्या होता है? संख्या माइनस आधार। अब बताओ संख्या कितनी है? संख्या माइनस आधार कितना है? 100। बताओ कितना बच गया? 0 3। और आएगा माइनस 97 से 100 घटाओगे 0 3 बचेगा माइनस का। अब देखो 0 3 भी यहाँ पर क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके कितने अंक है? 2। तो यहाँ पर भी आप कितने अंक आने चाहिए? 2। अब देखो सूत्र परावर्तन का मतलब क्या है? परावर्तन मतलब परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन किसका करना है? चिन्हों का। अगर आपके विचलन माइनस में आता है तो आपको प्लस में लेना है, अगर विचलन प्लस में आता है तो आपको माइनस में लेना है। यहाँ माइनस में आ रहा है मतलब अपन विचलन क्या मिलेंगे यहाँ पर? प्लस में। हाँ देखो वही तीन खंड बनाएंगे, दो लाइनें खींच के, एक और ये दो, ठीक है। सबसे पहले पहले वाले खंड में लिखेंगे, पहला वाला नंबर एक। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे आपका बाजक कितना? 97। इसके नीचे लिखेंगे इसका। अब यहाँ माइनस में था लेकिन काय में लिखेंगे? क्योंकि परावर्त्य है और परावर्त्य में चिन्ह का परिवर्तन होगा, तो यहाँ प्लस का 0 3। अब लिखेंगे तीसरे वाले खाने में, तीसरे खंड में जितने 0 आधार में है उतने अंक लेंगे अपनी संख्या से पीछे से, कितने लिखेंगे? 12। जो शेष बचे उनको कहाँ लिखेंगे? बीच में। कितना आ गया? 21। लिख गया। अब ये बीच वाले खंड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये नंबर 2, इसको ऐसा कैसे उतार लो? 2 का 2। अब ये जो 2 है इसको किससे गुणा करेंगे? 3 से। कितना आ गया? 3 × 6 0 6 और 6। अब इसको ऐसा कैसे उतारेंगे? 1 1 किससे गुणा करेंगे? 0 3 ही आएगा, यहाँ से लिखेंगे 0 3। अब लास्ट तक खत्म हो गया, अब ऐड कर लेंगे इधर, 4 2 3 और 2 4 6 और 1 7। अब देखो इससे छोटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्या आ गया आपका? बाग फल। 21 तो आ गया आपका बाग फल और ये क्या आ गया आपका? शेष फल। आ गया समझ में? अब ये देखो, अब यहाँ पे देखो आप छोटा नंबर देखेंगे, ये किसके आसपास आता है? 100 के। तो आधार कितना लेना है? 100। यहाँ से सबसे पहले तो लेंगे अपन आधार। अब बताओ आधार कितना? 100। अब क्या याद करेंगे? विचलन। तो संख्या माइनस क्या होता है? आधार। संख्या माइनस होता है आधार, तो संख्या कितनी? 131। माइनस कितना? 100। कितना बचा? 131। विचलन 31 आ गया, काय में आया? अब चिन्ह परिवर्तन करके काय में लेंगे? माइनस में लेना है चिन्ह परिवर्तन करके, ठीक है। अब देखो बेटा वही तीन लाइनें खींचेंगे, ये दो लाइनें खींचेंगे खड़ी और तीन खंड बनाएंगे, ये दो लाइनें और ये तीन खंड, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे पहले वाले खंड में आपका बाजक कितना? 131। आप जस्ट इसके नीचे क्या लिखेंगे? विचलन। और काय का? माइनस का 31, क्योंकि सूत्र परावर्त्य है और परावर्त्य में चिन्हों का परिवर्तन होता है। आप लिखेंगे आप लास्ट वाले खंड में, बताओ आपके आधार में कितने 0? 2। तो यहाँ से भी आप 2 अंक लिखोगे, 85। अब बीच वाले खंड में लिखना है, बताओ बचे कितने? 1 1 3 और 3। आप देखो सबसे पहले वही काम करना है निकलम के समान, पहला अंक उतारना है ऐसा कैसा है? 1 का 1। अभी से 1 को गुणा करना है दोनों से, 31 ही आएगा, लेकिन इन दोनों का लिखना है
माइनस का तीन माइनस का एक, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, दोनों में से तीन गया तो जीरो, ठीक है ना। अब जीरो गुणा करना है दोनों से, क्या आएगा, जीरो जीरो आएगा। भाई जीरो किसे संख्या गुणा करते, जीरो जीरो, यहाँ आएगा जीरो और यहाँ भी आएगा जीरो, माइनस प्लस में जीरो तो बात है कि बेटा, ठीक है। अब यहाँ से उतारेंगे, बताओ तीन में से एक गया तो दो को किससे गुणा करेंगे, इकतीस दूनी और दोनों का में लिखेंगे माइनस के बाद माइनस के दो माइनस के छह और माइनस के दो, ठीक है ना। आप देखो यहाँ से घटाएंगे, पांच में दो गया तो तीन, आठ में छह गया तो माइनस के तीन, ठीक है। आगे समझ तो ये तो क्या गया आपका भागफल, और ये क्या गया आपका शेषफल, आ गया।